क्या आप सचमुच बंटवारा चाहती हैं? ना कोकिला, ये आरोप मुझ पे मत डालना। मैं भला क्यों चाहूंगी घर का बंटवारा? साचू तो आज है कि तुम लोगों को ही बंटवारा चाहिए। नहीं बा, मैं और बंटवारा, बाप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने हमेशा सिर्फ सच के लिए अपनी आवाज उठाई है। मैंने कभी भी बंटवारे की बात नहीं की। ऐसे सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद अपने आंखों से देख रही थी कि इस घर में क्या चल रहा है। दर रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो सब जो इस मोदी भवन में पहला कभी नहीं हुआ। मैं पूछती हूँ कि एक छत के नीचे रहने का क्या फायदा जब तुम लोग एक साथ हो ही नहीं? बा, ऐसी बात, अगर तुम लोग इसलिए आई हो कि मैं अपना निर्णय बदल दूं, तो आप पक्का छे कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और अपना अपना सामान और चीजें उठाना शुरू करो। एमजी। हाँ गोपी, कहो। वो दरअसल मैंने आपको, हेलो एमजी जू, हाँ वो गोपी ने इसलिए फोन किया था कि वो पूछना चाह रही थी कि आपने लंच किया है कि नहीं। हाँ हो गया। ओके ओके, बाय बाय जीजू। राशि बेन, ये आपने क्या किया और क्यों? आपने पहले भी सबको जानबूझ के किया ना, बस इसलिए क्योंकि मैंने आपको माजी और काकी जी को करीब लाने के लिए कहा। चुप कर। तो राशि बेन, आप मुझे तो दो मिनट के लिए अपना मुंह बंद रख। वाह, हमें गोपी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या सच? कौन सा सच? बा, अगर हमने इसे नहीं बताया ना, तो ये सब कुछ चौपट कर देगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे मना किया था किसी से कुछ भी कहने के लिए, लेकिन गोपी को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए। गोपी बहू, आइए आओ। ने मारी बात ध्यान थी समझो। गोपियों, ये जो घर में हो रहा है ना, वो राशि बहू से करने के लिए मैंने बोला था, और वो इसलिए कि दोनों देरानी और जेठानी एक दूसरे को अच्छे से समझ सके और कहा सुना माफ कर दे। तो गोपी दिकरा, अभी तुझे अपने बा का और राशि बहू का साथ देना होगा। गोपी बोलना, तू हमारा साथ देगी कि नहीं?